गाइस तो कैसा आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आ चुका हूँ मरीन ड्राइव पे जो बिहार में है पटना सिटी में। और ये गाय घाट से लेके मतलब गाने वाने तक बन चुका है, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं। और मैं आज बताने वाला हूँ मॉर्निंग वॉक के ऊपर कि मॉर्निंग वॉक क्यों ज़रूरी होता है। मॉर्निंग वॉक इसलिए ज़रूरी होता है गाइस कि जो सुबह का जो मतलब नेचुरल हवा है वो बॉडी में लगने के बाद काफ़ी शरीर को मतलब फ़ायदा पहुंचाता है। और सभी लोग को सुबह में उठना चाहिए और ये हवा का आनंद लेना चाहिए। और पहले के लोग जो भी थे वो सुबह सवेरे उठ जाते थे और रात को जल्दी सो जाते थे गाइस, तो इसलिए उन लोग का अभी भी मतलब जो बॉडी है और काफ़ी स्ट्रांग और हेल्थ उन लोग का ठीक रहता था। क्योंकि सुबह में जो पॉल्यूशन होता है गाइस वो ख़त्म हो जाता है और फिर 10 बजे के बाद जो ट्रैफिक हो गया और सब चालू हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा फ्रेंड लोग के साथ आ चुका हूँ गाइस। मैं आज सुबह के मौसम के बारे में कुछ बताया। फ्रेंड्स आज मौसम काफ़ी अच्छा है और आई होप अगर आप NIT मॉर्निंग में आते तो काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और मैं आज अपने फ्रेंड आसिफ के साथ आया हूँ, ये ब्लॉग बनाते हैं, आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, पसंद कीजिए, बहुत अच्छा बनाते हैं। और मैं भी इन पर काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ, आने वाले दिन में इनको काफ़ी जगह लेकर जाऊँगा, अच्छी अच्छी जगह जो पटना में है। गाइस मॉर्निंग वॉक क्यों ज़रूरी है? और मॉर्निंग वॉक का टाइमिंग जो होता है वो सुबह 5 से 7 बजे का होता है। और सबसे बड़ी बात है कि मॉर्निंग वॉक करने से जो आपका हेल्थ जो आपका फिटनेस है वो सही रहेगा, जो भी आपका हार्ट ब्लॉकिंग प्रॉब्लम कभी नहीं होगा और आपका शुगर लेवल जो भी होगा वो लेवल में रहेगा, बराबर रहेगा, वो ना घटेगा ना बढ़ेगा। गाइस जैसे कि कोरोना का जो टाइम चल रहा है अभी, उससे क्या होगा, मॉर्निंग वॉक करने से आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, आपका कोरोना होने का भी कम चांस रहेगा। इससे क्या होगा, आपका बॉडी में फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा सुबह के टाइम में।